हरियाणवी कुछ उतना ही सिंपल है जितनी यहाँ के लोग। सर्दियों में जब यहाँ पर खेतों में हरा छोलिया खूब होते हैं, उस समय यहाँ के घरों में एक सिग्नेचर डिश है जिसको हम कहते हैं हरा धनिया छोलिया, जो कि काफ़ी सिंपल डिश है और उसी डिश को हम अभी बनाने जा रहे हैं। हरा धनिया छोलिया बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए हरा छोलिया, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर को हमने पीस लिया है टमाटो प्यूरी, और क्योंकि धनिया डालना है तो अच्छा खासा हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च, तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गार्निश के लिए अदरक की लहसुन। हरा धनिया छोलिया बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल गरम करते हैं। तेल गरम होने पर इसमें डालते हैं जीरा, काली मिर्च, धनिया, तेज पत्ता और एक हरी मिर्च जिसे हमें फ्लेट कर रखा है। जैसे ही ये क्रैकल होते हैं उसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, कलर चेंज होना शुरू ना हो। प्याज का कलर जो है वो चेंज होने लगा है इस स्टेज पे, अब हम डालेंगे इसमें, डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। और अब इसमें डालते हैं हम अपनी टमाटो प्यूरी, मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और अब इसमें फाइनली हम ऐड कर रहे हैं छोलिया। फाइनली इसमें हम घी डालते हैं और इसमें थोड़ी देर तक छोलियों को पकने देंगे। छोलियों को पकाते हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं और छोलिया ऑलमोस्ट उबल चुका है। इस स्टेज पर इसमें डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि नाम ही है हरा धनिया छोलिया, ये सारा